वो देखो हाँ वो वो आ देखो रहे हैं, वो वो आ रहे हैं, वो आ है, रहे फटाफट हैं। से फटाफट से। मारो मारो मार मारो दिया इसको, इनको। मारना मारो मारो। ओए ओए ओए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम कर रहे हैं आपको दाउसो गेमर्स में। तो आज हम खेल रहे हैं द क्राफ्टर 13 का पार्ट नंबर 2। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए। तो चलिए प्ले का बटन दबा के करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, तो दोस्तों आज दिन बहुत ही अच्छा है, तो आज हमने सोचा कि आज हम अपना फार्मिंग डे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढने होंगे थोड़े बहुत सीड्स। तो चलिए ढूंढते हैं सीड्स। फिर हम बनाएंगे अपना एक छोटा सा फार्म। ये पानी के अंदर स्केलेटन फिर रहा है। ओह, ज़ॉम्बीज भी हैं, लगता है ये रात में इधर ही कहीं गिर चुके होंगे। ओए, हमारे घर के अंदर गाय चली गई। ये किया हमने इसके मुंह पे, दरवाजा बंद। चली चल, गई। हमारे घर में क्या कर रही है तू? तो फिर आ गई। अरे तूने हमारे घर से क्या लेना है? वो भाग गई। अरे वो भाग गई। चल तो फार्मिंग के लिए मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, मेरा ख्याल है इधर ही फार्म बना लेते हैं, क्योंकि इसके पास में ही पानी है और पानी में ज़ोंबीज़ हैं। फार्म, आओ। मुझे लगता है हमें पहले अपना फार्म बना लेना चाहिए और फिर जाके कुछ हिट जमा करने चाहिए। अभी फार्म को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, बस छोटा सा ही फार्म बनाते हैं, इतना मेरा ख्याल बहुत है। अब जाके थोड़े सीड्स वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं, क्या पता फार्मर्स के चेस्ट में हो। पहले फार्मर के घर चल के थोड़ा सा देखते हैं। अरे वाह, सफेद घोड़ा। मेरे पास सैडल नहीं है, नहीं तो मैं इसको बैठ तो सकते हैं। ओह, बैठ गए हम। कहाँ जा रहा है, उसने तार ही दिया। चलो खैर, वो मुझे लगा था कि ये मारेगा। अरे नहीं, इसने पप्पी दी, बस चला गया। अच्छा, इसके चेस्ट में देखते हैं, क्या पता इसे कुछ मिल जाए। इधर तो कुछ भी नहीं था, इस घर में देख लेते हैं जाके। ये क्या है, कार्टोग्राफी टेबल है कुछ, खैर नहीं पता। ओ, चेस्ट मिल गई। ओ, उसमें बीज मिल गए हमें, सीड्स मिल चुके हैं। अब जाके यही सीड्स अपने फार्म में लगाते हैं। अरे हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि हमें इतनी जल्दी जल्दी से मिल गए हैं सीड्स, और अब हम जाके जाके अपने अपने फार्म में लगाएंगे सीड्स। ओ, ये क्या हो ये क्या हो गया। गया? ओह नो, मुझे लगता है कि तुमने ये बहुत ही बड़ा बना लिया है। जितने बीज लग गए लग गए, बाकी ठीक है। अभी फिलहाल इतने सीड मुझे मिले थे, मैंने इतने लगा दिए, तब तक और जाके ढूंढते हैं। मुझे ये सामने वाले घर में जाके देखना चाहिए, क्या पता इधर कुछ हो, क्योंकि ये बड़ा सारा घर है, क्या पता फार्मर ने छुपाए हों इसमें ज़्यादा सीड्स, हाँ मुझे भी ऐसा या लगता कुछ, है। क्या पता हमें यहाँ से गोल्ड वगैरह मिले, सिल्वर वगैरह मिले। सीढ़ियाँ हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं। देखा, मिल गई ना चेस्ट। ओह, इसमें तो खैर हमें गोल्ड नहीं मिला, पंप पम्पकिन सीड मिले हैं और सादे सीड्स मिले हैं। तो चलिए, जितने सीड्स मिले हैं जाके ये भी लगा देते हैं। तो अब हमारा ये छोटा सा फार्म हो गया है रेडी, मेरे पास जितने सीड्स बचे हैं मैं भी इसको जाके अपनी चेस्ट में रख देता हूँ।
अब करते हैं हम अपने फॉर्म को थोड़ा सा डेकोरेट। डेकोरेट करने के लिए इसके इर्द गिर्द लगाते हैं थोड़ी सी लकड़ी। नहीं ये नहीं, मुझे नहीं, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। इसको उतार देते हैं। हम लगाते हैं वुडन फेंस और एक छोटा सा वुडन गेट, वो अच्छी लगेगी इस पर। ओके, तो अब हमने वुडन फेंस बना ली है। अब चल के करते हैं थोड़ा फॉर्म डेकोरेट। तो हमारा ये छोटा सा हो गया है फॉर्म तैयार। अब हम इसमें सब्जी वगैरह उगने का इंतज़ार करेंगे। अरे वो घोड़ा यहाँ पे आ गया। मुझे ये घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम क्या कुछ खिला सकते हैं? मैं इसके खाने के लिए यहाँ पे कुछ लेके आता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट देखी थी। वो नहीं है। हाँ वो है, वो देखो वो। ओ ये कौन है? इसने क्रीपर का कुछ करना था। ये क्रीपर का रिश्तेदार लग रहा था शायद। ये मिल गई। जी हाँ, अब हमने हमें गंदम यहाँ से मिल चुकी है। अभी घोड़े को थोड़ा खिलाते हैं। काले सारी खाओ। सॉरी, अरे वाह। अब हम इस पे बैठ चुके हैं। ये हमें दिल दे रहा, लगता है हम इसको पसंद आ गए। अब मुझे लगता है इसके लिए हमें एक जगह बनानी होगी जहाँ पे ये रह सके हमारे साथ। तो ठीक है, इसके रहने के लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं, लेकिन साथ में। हाँ अभी फ़िलहाल चल के सोते हैं। कोई फार्मर ना आ गया, कोई विलेजर ना आ गया, वो हमारे फिर आ गया यार। इस आदमी को पता नहीं क्या है, ये रोज़ ही हमारी जगह पे आ जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है। तो ठीक है, हॉर्स के रहने के लिए हम जगह बनाएंगे मेरा ख्याल उसी के अपने घर के साथ ही। मेरा हर यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा हमारा घोड़ा। तो घोड़े को अपना करने के लिए मुझे पहले चाहिए होगी एक सैडल। सैडल के लिए मुझे चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा लेदर। मेरे पास एक लेदर है, मुझे अभी और लेदर चाहिए। अच्छा, तो ये हमें वहाँ से मिलेगी? लेदर हमें मिलेगी जानवरों से। तो जानवर, वो नीचे केव लग रही है मुझे। नहीं बस वैसे ही है। तो मुझे चाहिए होंगे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काओ चाहिए, शीप चाहिए, कुछ भी मिल जाए। तो इसका मतलब है आज हमारा मिशन है हैदर जमा करना और घोड़े को अपना बनाना। तो चलिए बनाते हैं घोड़े को अपना और थोड़ी सी लेदर इकट्ठी करते हैं। इसमें से मुझे क्या मिला? इसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे सिर्फ एक मटन मिला और वूल मिली, ऊन मिली है। मुझे चाहिए ये। मुझे काऊ नज़र आ गई यहाँ पे। शायद काऊ में से हमें मिल जाए लेदर। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे इसको मारना होगा। सॉरी। अरे कहाँ भाग रही है तू? ये गई। इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसमें से भी मुझे लेदर नहीं मिली, लेकिन मुझे गोश्त मिल गया। गोश्त खाएंगे हम। ये मुझे यहाँ पे ये क्या है? ये है क्या? ये एक
ओहो कितना क्यूट सा बच्चा है, छोटा सा। ये एक शीप का बच्चा है ये। बच्चा। अच्छा तो ये हमारी जमीनों को खराब कर रहा है। ये खा जाता होगा हमारी सारी फसलें। इसको मैं गोश्त खिलाता हूँ। ये देखो ये हमारी जमीनों को खराब कर रहा था। वो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है शीप्स, लगता है इसमें से हमें मिल सकता है। मेरे पास सॉर्ट है, मैं इसको सॉर्ट से मार के देखता हूँ। वो शायद मुझे लग रहा है मुझे लेदर नहीं मिली यार। इनमें से किसी के पास भी लेदर नहीं है। पट मिला है हमें मुर्गी का। मुर्गी का पट हम पका के खाएंगे। इसके पास से मुझे एक लेदर मिल गई, मुझे दो लेदर मिल गई। वाओ हेलो, आप चिकन लेग पीस खाएंगे? नहीं, चिकन लेग पीस। हाँ जी आपको क्या चाहिए? क्या लेना है आपने? चाहिए इधर से चलो। चले भागे यहाँ से आप। चल निकाल दिया। ये आपका नहीं है, आपके लिए एंट्री मना है यहाँ आना। हमारी सब्जियाँ अभी तक उगी नहीं हैं, अभी सिर्फ एक दिन तो हुआ है। अरे बच्चे तुम्हें पता है सैडल कहाँ से मिलेगी? नहीं उसको नहीं पता। अरे ये तो बहुत ही स्वीट सा बच्चा है। तो वो छोटा सा बच्चा था, स्वीट सा। नहीं। ओ ये गांव को लूटने आ गए। ओए भागो। कितने लोग हैं? और ये हमारा ओहो, मुझे गांव की बैल बजानी थी। मुझे फटाफट से अपनी तलवार चाहिए होगी, मेरे पास तलवार तो कुछ नहीं है। लगता है ये इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। गांव में लूटमार होने वाली है, फटाफट भागो। नहीं हमने कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं आ रहे थे वो। वो देखो वो देखो, मारे फटाफट से मारो इनको। मारो। ओ मुझे अपना सामान पहले फटाफट से लाना होगा। इधर था ये देखो, ये मिल गया। हमारा सब कुछ बिखर गया। इन्होंने हमें बिखेर दिया पकड़ के। ये मैं एक गया एक मैंने उड़ा दिया। मारो उसको। एक और गया। ओहो उसने मुझे उड़ा दिया। हमारा सारा सामान बहुत मेहनत से हमने बनाया था। मुझे फिर जाना होगा वहाँ पे। मुझे से काफी ज्यादा सामान वो फिर रहा है। लेकिन मेरा सारा सामान कहाँ गया कुछ पता है? उधर को है। वो है मुझे नजर आ गया। इससे मुझे काफी एरो मिल। ओ इसके पास सैडल भी थी। मारो इसको। ये गया। इसके पास तो कुछ और इसी नहीं था? तरह हमने अपने शहर को बचा लिया। इसी तरह हमने अपने गांव को बचाया और हम बन गए हैं यहाँ के हीरो। लेकिन किसी ने हमें शुक्रिया करने के लिए मुंह से एक फूटा लफ्ज नहीं निकाला। कितने मतलब ही हैं यार। बहुत। तो उसकी मदद से हमें मिल गई थी सैडल, लेकिन अब पता नहीं हमारा हॉर्स कहाँ चला गया यार। अब तो नज़र वो है मुझे लग। मैं ज़रा घर का गेट बंद कर दूँ यार, ये फिर सो गया इधर। इसको आके उठाते हैं। मेरा ख्याल है वो हॉर्स फिर रहा है हमारा। अरे ये तो स्केलेटन है। ये रात बहुत हो गई है, मुझे लग रहा है सुबह आएंगे। अगले पार्ट में मिलेंगे दोस्तों, तब तक उसको अपना आप बनाएंगे अगले पार्ट में हॉर्स को। अभी हमारा फार्म उगना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगले पार्ट में क्या पता ये और भी ज़्यादा उग जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को अच्छा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे उठ तू। तो फिर से हो गया, भाग यहाँ से। और अगले पार्ट का दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा। अरे तो फिर आ गया। अरे ये कितने लोग हैं अंदर।